अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अरूज फातिमा और आप देख रहे हैं देखो टीवी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई होटल्स का विजिट किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे होटल के बारे में सुना है जिसमें आपको रुकने पर पैसे लेने की बजाय लाखों रुपए दिए जाते हों? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंतहाई अनोखे होटल की कहानी सुनाऊंगी जहाँ पर रुकने के लिए आपको $3,500 दिए जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अमेरिका की स्टेट मैसूरी में एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी का नाम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च के हवाले से काफी मशहूर है, खास तौर पर सेहत से मुतालिक। इसी यूनिवर्सिटी में एक होटल भी मौजूद है जिसका नाम होटल इन्फ्लुएंजा है। ये कोई आम होटल नहीं, बल्कि यहाँ भी दुनिया के तमाम बड़े होटल की तरह सारी सहूलियात मौजूद हैं। होटल इन्फ्लुएंजा में 24 कमरे हैं और इन सब कमरों में तमाम आसाइशें मौजूद हैं। आरामदेह बेड, टीवी, इंटरनेट और तो और यहाँ रहने वाले लोग किसी भी वक्त अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस होटल में लाउंज, जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और इसी तरह की हर चीज का इंतजाम किया गया है ताकि लोग यहाँ बोर ना हों। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ जो भी इंसान इस होटल में रुकना चाहे उसे जहाज का टिकट भी दिया जाता है। जी हाँ, ताकि वो इंतहाई आराम से अपने घर से इस होटल तक पहुँच जाए। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन सब सहूलतों के अलावा यहाँ रहने वाले शख्स को $3,500 भी दिए जाते हैं, यानी तकरीबन 5.5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो दुनिया के तमाम लोग इस होटल में रुकना चाहते, लेकिन उस होटल में रुकने के लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि इस होटल में कोई भूत वगैरह रहते हैं, बल्कि वजह कुछ और है, जो कि सुनने के बाद शायद आप भी इस होटल में रुकने का ना सोचेंगे। दोस्तों, होटल इन्फ्लुएंजा दरअसल एक रिसर्च सेंटर भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लुइस अपने रिसर्च के हवाले से काफी मशहूर है और इस यूनिवर्सिटी ने इस अजीबोगरीब होटल को बनाया है। एक इंसान को इस होटल में 10 दिन के लिए रुकना होता है और उसके बदले में उसे हर सहूलत दी जाती है। इसके अलावा अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस होटल में एक फ्लू वायरस पर रिसर्च की जाती है और तभी लोगों के अंदर फ्लू वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि लोगों को बीमार किया जाता है। ये वायरस ज्यादातर स्प्रे के जरिए नाक के अंदर डाला जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इन लोगों की बॉडी इस वायरस पर कैसे रिएक्ट करती है। इस दौरान इन लोगों का ध्यान रखने के लिए नर्सें और डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं। तभी इस होटल का नाम होटल इन्फ्लुएंजा है। इसके बाद इन लोगों पर फ्लू के वायरस से बचने के लिए एक वैक्सीन ट्राई की जाती है ताकि देखा जा सके कि ये वैक्सीन कितनी असरअंदाज है। इस वैक्सीन को बनाने में इस यूनिवर्सिटी ने कई $100 मिलियन खर्च किए हैं और तभी इन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि अपने अंदर फ्लू वायरस को इंजेक्ट करा के टेस्ट करा सकें। लेकिन दोस्तों, ये इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है क्योंकि इन वायरसेस और वैक्सीन्स का कोई उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। तभी यहाँ बहुत कम ही लोग आने की हामी भरते हैं, हालांकि लोगों को बदले में कई सारी सहूलियात और पैसे भी दिए जाते हैं। होटल इन्फ्लुएंजा 2018 के आखिर में शुरू किया गया था और आज ये काफी शोहरत हासिल कर चुका है। बहरहाल, इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले लोग काफी लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होंगे। होटल इन्फ्लुएंजा आज भी खुला है और आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रहा है। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही होटल में जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे जरूर लाइक करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।